नमस्कार, मैं हूँ विजय और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की उन 5 एक्ट्रेसेस के बारे में जिनका जादू सभी के सर चढ़कर बोलता है। वो हर फिल्म को हिट करवा देती हैं और उनके नाम से फिल्में चल जाती हैं। साथ ही दर्शक भी हैं उनकी अदाओं के दीवाने। ये हैं बॉलीवुड के 5 एक्ट्रेसेस और ये है उनकी फीस। शुरू करते हैं सबसे पहले दीपिका पादुकोण की फीस से। दीपिका ने फिल्म ओम शांति ओम से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। बता दें कि वो एक फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ लेती हैं। माना जाता है सबसे महंगी फीस दीपिका की ही रही है। एक्ट्रेस करीना कपूर खान, इन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं। इन्होंने फिल्म रिफ्यूजी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि करीना एक फिल्म के लिए करीब 9 से 10 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में एक खास पहचान बना चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ चुकी हैं और अब प्रियंका बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली एक्ट्रेसेस में शुमार हो चुकी हैं। प्रियंका एक फिल्म के लिए करीब 9 करोड़ रुपए लेती हैं। कंगना रनौत, बॉलीवुड की क्वीन बन चुकी हैं कंगना। अपने स्टाइल और बेहतरीन एक्टिंग से कंगना अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। उन्होंने फिल्मी करियर में अभी तक एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। कंगना एक फिल्म के लिए करीब 11 करोड़ रुपए लेती हैं। फिलहाल उनकी अपकमिंग फिल्म मणिकर्णिका को लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विद्या बालन, और अब बात विद्या बालन की। सिंपल एंड सोबर विद्या कमाल की एक्टिंग करती हैं। अपनी हर फिल्म में विद्या अपनी छाप छोड़ती नजर आती हैं। विद्या बालन का परिणीता फिल्म में निभाया गया लोलिता का किरदार सभी के दिलों में उतर गया, तो वहीं डर्टी पिक्चर से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था विद्या बालन ने। आपको बता दें कि विद्या एक फिल्म के लिए करीब 6 से 7 करोड़ रुपए लेती हैं। तो भाई ये हैं टॉप एक्ट्रेसेस और ये रही उनकी फीस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।